अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी वीडियो में टी टाइम स्नैक बनाने जा रहे हैं विद डक बिस्किट। जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने चिकन ले लिया है 250 ग्राम्स, नमक ले लिया है 1/2 टीस्पून, रेड मिर्ची ले लिया है 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ले लिया है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर ले लिया 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर ले लिया है 1/4 टीस्पून, ऑयल ले लिया है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अब हम अपनी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन हम बाउल में डाल लेंगे, ऑयल ले लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके हमने अपने चिकन का मसाला लगा दिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना चिकन और मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है तब तक हम अपनी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने मायो सॉस ले लिया है 4 टेबल स्पून, इसको मैं डिश में डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून हैं चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून टमाटोज ले लिए हैं, अंदर से बीज वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया है, 1 टेबल स्पून अनियन, 1 टेबल स्पून कैप्सिकम, 1 टेबल स्पून ये हम डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसेस तेज पसंद हैं तो आप इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी थोड़ी स्पाइसेस डालूंगी। मैंने 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम अपना बिस्किट ले लेते हैं। मैंने फैमिली पैक बिस्किट लिया था, आप टिकी भी ले सकते हैं। हमारा चिकन कुक हो गया है, इसको अब हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हम अपना बिस्किट ले लेंगे, उसके ऊपर मायो सॉस जो हमने बनाई थी वेजिटेबल्स डाल के वो डाल देंगे। चिकन डाल लेंगे। अब हम अपना दूसरा बिस्किट ले लेते हैं, उस पर भी इसी तरह से हम लगा देंगे, ऊपर चिकन लगा देंगे और चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ शेड की भी हम ऊपर से डाल देंगे। देखें, अब मैं इसी तरह से सारे बना लूँगी। हमारे सारे कुकीज रेडी हो चुके हैं, अब इनको हम 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रो कर लेंगे। अब ऊपर से मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे टी टाइम टक बिस्किट रेडी हो चुके हैं। आप ये हाई टी के तौर पे टी टाइम में किसी टाइम पे भी रख सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।